हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी मार्केट में कंप्लीटली कल की तरह एक कंसोलिडेशन रेंज में हमारा मार्केट चलता रहा और किसी भी डायरेक्शन में हमें कोई भी मूव देखने को नहीं मिली। तो अब दोस्तों, मार्केट में कल जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपायरी है, तो हमारा मार्केट इस साइडवेज रेंज के बाद क्या हमें एक ब्रेकआउट दे सकता है? तो उस ब्रेकआउट के लिए हमारे क्या लेवल्स, क्या टारगेट रहने चाहिए? इन सब चीजों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी पे ही आते हैं, तो निफ्टी पे आप प्रीवियसली कुछ दिन से देख पाएंगे तो हमारा मार्केट आप एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज में क्लोज हो गया। कल के दिन भी मार्केट में कोई हमें मूव देखने को नहीं मिला, कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज। और आज के दिन भी आप देख पाएंगे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, कहीं ना कहीं अपने लो को रिटेस्ट करा और एक अच्छी खासी साइडवेज मोमेंटम में ही क्लोज हो गया। अब दोस्तों, निफ्टी में हमारी कल के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, एक्सपायरी के लिए हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप देख पाएंगे तो कल मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है वो आपके कहीं ना कहीं ये बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपका रेसिस्टेंस जो कि इसको फेस होने वाला है वो आपका 17,530 के आसपास रहने वाला है। अगर आपका मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसे कि हमारे ग्लोबल क्यूज पिछले कुछ दिनों से हमें एक फ्लैट ओपनिंग दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कल भी अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है और उसके बाद अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मानेंगे और कहीं ना कहीं निफ्टी में पॉजिटिव साइड के लिए अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आपको जो 450, 400 का ये सारे के सारे लेवल्स आपको कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी में फेस होंगे। अब मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक नया रेसिस्टेंस लेवल आपका 17,530 के आसपास का रहने वाला है। और अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर कल आती हुई दिख सकती है। नेगेटिव साइड के लिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीटली निफ्टी में सजेस्ट अभी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी जो है अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे, मैं ड्राइंग्स को रिमूव करके आपको डेली टाइम फ्रेम पे आके दिखाऊंगा, तो आप देख पाएंगे निफ्टी के अंदर आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस आती हुई दिख रही है। मार्केट एक अच्छा खासा लो, प्रीवियस 3 दिन से एक अच्छा खासा लो बना रहा है, बट अपने दिन के हाई के आसपास ही क्लोज हो रहा है। सेकंड डे पे भी आप देख पाएंगे एक लो बनाया पर अपने दिन के हाई के आसपास क्लोज हुआ। आज भी एक लो बनाया बट कहीं ना कहीं दिन के हाई के आसपास ही क्लोज हो रहा है। तो मार्केट में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बुल्स हैं वो एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं वापस से मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश बुल्स करके चलेंगे कल। तो दोस्तों, आई होप आपको निफ्टी की एनालिसिस क्लियरली समझ आई होगी। अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो बैंक निफ्टी कल मैंने आपको कहा था कि कल आप पॉजिटिव साइड के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करके चल सकते हैं, बट बैंक निफ्टी में मेरा जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो वो ही एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। बट आप देखेंगे बैंक निफ्टी आपका नियरली अराउंड अपनी क्लोजिंग से आप देख पाएंगे तो 285 पॉइंट्स अप क्लोज ओपन हुआ, तो वो हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि इसमें हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल पाएगा बैंक निफ्टी में, और एग्जैक्टली वो ही हुआ। आज हमारा बैंक निफ्टी भी एक कंप्लीटली साइडवेज रेंज में ही क्लोज हो गया। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमारी कल के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? बैंक निफ्टी ने जैसे कि अपना एक प्रीवियस जो इसका रेसिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम हमें कल आता हुआ दिख सकता है। और अगर कल हमारी मार्केट में बायर्स एक्टिव रहते हैं और ऑप्शन सेलर्स कम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके हाई के अबव, जैसे जो कि हमारा एक इसका प्रीवियस हाई है, मैं उसको लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था उसके ऊपर, आपको क्लियरली समझ आएगा। आप देख पाएंगे जो कि आपका 36,400 के आसपास का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। ये अगर दोस्तों कल ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। अब दोस्तों, नेगेटिव साइड के लिए जैसा कि मैं आपको बैंक निफ्टी में बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आप नेगेटिव साइड पे तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी ट्रेड करके नहीं चलेंगे, क्योंकि आपकी एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली कल कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेशन में ओपन होके एक ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको हमारा कल का प्लान समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करके चलना है और क्या आपकी रणनीति रहने वाली है। तो अब आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे, जो बेस्ट 4 स्टॉक्स मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों लाया हूं मैं आपके लिए वो है फार्मा सेक्टर्स का, ऑरो फार्मा। दोस्तों, अरविंदो फार्मा की बात मैं आपसे करूं तो थोड़ा सा प्रीवियसली मैं आपको
एक प्राइजेक्शन बताना पसंद करूंगा पहले लेवल से, आप एग्जैक्टली देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बार बार इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल पे से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहां से एक फॉल आई, एग्जैक्टली यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा, एक फॉल दी, और वापस से मार्केट ने यहां पे भी एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया। इसके ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन मूव हमें ये दे रहा है, और अगर कल कहीं ना कहीं मार्केट में वापस से इस हमारी जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो कि आपका 673 का लेवल है, हमें एक अच्छी खासी एंट्री जो है वो अरविंदो फार्मा के अंदर मिल सकती है, और जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हम 676 के लेवल पे लगा के चलेंगे, जिसमें जो मेरा टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 667 के लेवल पे रहने वाला है मेरा, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट आप 665 के लेवल पे लगा के चल सकते हो। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, आप प्रीवियसली देखेंगे तो इन्हीं लेवल के बाद कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल आई थी, और अगर कल इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल वापस से हमें देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि आपका डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों ये स्टॉक भी आपका फार्मा सेक्टर्स का ही है, बट कहीं ना कहीं अरविंदो फार्मा आपके लिए मैं नेगेटिव साइड के लिए लेके आया हूँ, और आपका डॉक्टर रेड्डी मैं पॉजिटिव साइड के लिए लेके आया हूँ। आपको फार्मा सेक्टर्स पे ही डिपेंड होकर चलना पड़ेगा कि आपके फार्मा सेक्टर्स किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, और उसी बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके चलिएगा। अगर पॉजिटिव रहता है तो आप डॉक्टर रेड्डी को ट्रेड करके चलेंगे, और नेगेटिव रहता है तो आप कहीं ना कहीं अरविंदो फार्मा को ट्रेड करके चलेंगे। इसमें आप देख पाएंगे तो प्रीवियसली जो इसके रेसिस्टेंस लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट ने आज भी हमें एक पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम में उनके आसपास ही क्लोजिंग दी है, और अगर कहीं ना कहीं कल ये ब्रेक करता है हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपका 4375 का लेवल है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकती है, जिसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 4257 के लेवल पर रहने वाला है। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट दोस्तों आप फर्स्ट लगाने चलेंगे अपना 4405 के लेवल पे, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट आप 4420 के लेवल पे लगा के चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे। ये स्टॉक मैंने दोस्तों आपको कल भी दिया था, बट आज इसके अंदर कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, कंप्लीटली एक साइडवेज मोमेंटम था। मैं बात कर रहा हूं आपसे गेल की, और एग्जैक्टली देख पाएंगे तो एक कंप्लीटली फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, और अगर कल वापस से ही हमें वही हमारे लेवल्स रहने वाले हैं जो मैंने आपको कल दिए थे, कल अगर ये ब्रेक करता है हमारे 154 के लेवल को तो हमारा स्टॉप लॉस 153 के लेवल पर रहने वाला है, और जो आपके टारगेट्स है वो फर्स्ट टारगेट आपका 156 का जो कि मैंने आपको कल दिया था वही रहने वाला है, सेकंड टारगेट भी दोस्तों सेम हमारा 157 का है जो कि मैंने आपको कल दिया था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो प्रीवियसली अपने रेसिस्टेंस लेवल पे होल्ड कर रहा है, और एग्जैक्टली होल्ड के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता तो वो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें दे सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हैं, अपने प्रॉफिट्स पे कहीं ना कहीं रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखे या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, आप कहीं ना कहीं इससे बड़ा मोमेंटम भी गेल के अंदर अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे कल के आखिरी स्टॉक पे, जो कि हमारा आईटी सेक्टर्स का एसजीएल टेक्नोलॉजीज। एसएल टेक्नोलॉजीज में आप दोस्तों देख पाएंगे तो प्रीवियसली यहां पे कहीं ना कहीं आपको हायर हाईज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो हमारा पैटर्न है वो कहीं ना कहीं श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। आप एग्जैक्टली देख पाएंगे यहां से एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बट मैं इसमें आपके लिए सिर्फ नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, वो क्यों उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। आप देख पाएंगे थोड़ा इसको मैं प्रीवियसली लेके आता हूं, तो आपको देखेगा कि चार्ट जो है वो प्रीवियसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हमें दे रहा है, और कहीं ना कहीं अगर मैं जरा इसको साइड करता हूं और अगर आपको ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होते हुए दिखाता हूं तो एग्जैक्टली आपको नोटिस होगा कि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जो है एक क्लियर प्राइजेक्शन हमें शो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, जिसपे कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट कर रहा है और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मूव हमें दे सकता है। कंटिन्यूएशन मूव की प्रोबेबिलिटी तो अभी बिल्कुल भी लो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी तक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया ही नहीं है, बट अगर कहीं ना कहीं कल हमारे रेंज का ब्रेकआउट होता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास इसको आप हम देख सकते हैं, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हम इस ट्रेंड लाइन को ही एज अ सपोर्ट मान के इसके अंदर चेज करके चल सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों आपको एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है, वो आपका लेवल रहने वाला है 1160 का लेवल, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 1165 के लेवल पर रहेगा, जो कि आपका 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स फर्स्ट टारगेट आपका 1150 का लेवल रहने वाला है, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो आपका 1145 के नियर अराउंड रख के आप चल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको आई होप मैंने चारों के चारों स्टॉक्स हमारे इंडेक्सेस के एनालिसिस क्लियरली समझा दी होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंट्राडे स्टॉक्स, आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं जिसमें हम लाइव मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।